दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि ड्रीम इलेवन से पैसे कैसे कमाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं ड्रीम इलेवन से पैसे कमाना तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि ड्रीम इलेवन से पैसे कैसे कमाते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग जान जाएंगे कि ड्रीम इलेवन से पैसे कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ड्रीम इलेवन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग को नहीं पता है ड्रीम इलेवन को डाउनलोड कैसे करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप लोग उस वीडियो को देख के ड्रीम इलेवन को डाउनलोड कर लीजिए। अब ड्रीम इलेवन को डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो रजिस्टर के बटन पे आप लोग क्लिक करके इसको सबसे पहले मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और रजिस्टर बटन पे मैं क्लिक करूँगा। अब इसके बाद अलाउ करके आप लोग इसको परमिशन दे दीजिए। मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिखा रहा है तो यहाँ पर मैं दूसरा नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर और रजिस्टर पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो है हमारे नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप लोग अपना रजिस्टर कर लेना। मैं लॉगिन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिस नंबर से आप लोग लॉगिन करना चाहते हैं, और नेक्स्ट बटन पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। सिम कार्ड इसी फ़ोन में पड़ा होगा, OTP आप लोग का ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। OTP फिल होने के बाद ये आप लोग का वेरीफाई होगा OTP, और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ मिल जाता है भाषा सेटिंग बदलें, कंटिन्यू इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में इसको यूज़ करूँगा। अब ये हमारा देख सकते हैं एप्लीकेशन है ड्रीम इलेवन, वो ओपन हो चुकी है। अब इसमें आप लोग को पैसे कैसे कमाने हैं वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है ऊपर साइड में क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केट, ये आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो ये अलाउ करके आप लोग यहाँ पर परमिशन दे दीजिए। अब ये जो आप लोग लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे मैचेस चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं 29 मिनट बाद मैच चलेगा इंडिया और ये बांग्लादेश से। और एक जो मैच है यहाँ पे ये दिखा रहा है जॉनिक टाइगर्स और स्पॉन्ट से चलेगा ये 28 मिनट बाद। तो जो यहाँ पे मैच चलते हैं वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग को जिस मैच पे आप लोग को टीम लगानी है, मतलब जिस मैच पे लगानी है वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। क्रिकेट पे भी लगा सकते हैं, कबड्डी पे भी लगा सकते हैं, फुटबॉल, बास्केट, जिस पे आप लोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जितने भी मैचेस चलते हैं तो वो सब कुछ यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। अब मैं इंडिया का और बांग्लादेश का जो मैच चल रहा है ये चलेगा 28 मिनट बाद, तो इसमें 9 करोड़ यहाँ पर मेगा जो है यहाँ पर रहता है, और मैं इसको जो है सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देख सकते हैं कॉन्ट्रेस्ट यहाँ पर चलते हैं, 49 रुपये की जो एंट्री है यहाँ पे और 149 रुपये की एंट्री है। 49 की एंट्री में 9 करोड़ रुपए का प्राइज़ पूल लगाया है और कंपनी ने, और इसमें 50 लाख का प्राइज़ पूल लगाया हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिखाता है। अब ये 49 रुपये वाले मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो ये लोडिंग होता है। सबसे पहले आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसमें सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट स्टेट पे क्लिक करिए और आपकी जो भी स्टेट है उस स्टेट को आप लोग सेलेक्ट कीजिए और गो एड यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप लोग को अपनी टीम जो क्रिएट करनी होती है, क्रिएट टीम पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग जो ये आप लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं तो देख सकते हैं सबके नाम यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को विकेटर को जो है सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, जो आप लोग को लगता है ये परफॉर्मेंस अच्छे कर रहेंगे तो उनको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग 1 से 4 विकेट कीपर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 रख लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आप लोग को बैटर्स, यहाँ पर बैटर्स को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बैटर्स। और यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है ऑलराउंडर, ऑलराउंडर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। आप लोगों को लगता है जो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा
उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये प्लेयर होते हैं आपके टीम के, जो आप लोग टीम बनाएंगे तो इन प्लेयर को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। आप लोग को लगता है आप इनके मैचेस देखते हैं, जो परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं उन प्लेयर को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब ये बॉलर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉलर आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 से 6 बॉलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये 3 में सेलेक्ट किया, 3 बॉलर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बैटमैन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक और, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये आप लोग को मिल जाता है नेक्स्ट का बटन, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हैं, चूज योर कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन। तो यहाँ पे आप लोग कैप्टन और वॉइस कैप्टन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं एक कैप्टन सेलेक्ट कर लेता हूँ और वॉइस कैप्टन एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो उनके सारे के सारे जो प्लेयर होते हैं उनके नाम आते हैं। अब ये बोला है अमाउंट, तो करंट बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है और एंट्री फीस यहाँ पे आप लोग का जो 49 रुपये दिखा रहा है। तो ऐड पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ऐड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इनको आप लोग पेमेंट करेंगे। यहाँ से आप लोग जो है मोबीक्विक से रिचार्ज कर, मतलब पैसे डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजन, जिससे आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग जैसे ही पेमेंट इनको कर देते हैं तो आप लोग की जो टीम है, आपने टीम बनाई है, जो आपकी टीम परफॉर्मेंस अच्छी करेगी तो आपको जो है यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनकी एक लिस्ट बन जाती है, जो फर्स्ट रैंक में 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये मिलते हैं, सेकंड में आपको 10,000 मिलते हैं और थर्ड में आपको 5,000 मिलते हैं। जैसे जैसे आपकी जो है पॉइंट कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो प्राइस है वो कम मिलती जाएगी। ठीक है, तो इनमें जो है 30 से 35 हज़ार जो है मेम्बर होते हैं जो ज्वाइनिंग करते हैं। तो आप लोग भी इसमें इस तरीके से जो है टीम बना के अगर आप लोग पैसा लगाएंगे तो आप लोग का जो टीम है, अगर आप लोग के प्लेयर हैं पॉइंट अच्छे बनाते हैं तो आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो बस अगर आप लोग के जो टीम है और जो प्लेयर हैं वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करेंगे तो आप लोग के पॉइंट अच्छे नहीं बनेंगे और आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोग की जो टीम है वो परफॉर्मेंस अगर अच्छी करती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे मतलब जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वही लोग इस पे जो आके खेल सकते हैं। तो बाकी का जितनी भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी है यहाँ पे ड्रीम इलेवन की, वो आप लोग को मिल चुकी होगी। और दोस्तों अगर आप लोगों ने क्रिकेट नहीं देखा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है, तब भी आप लोग इससे पैसे कमाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग को टाइम देना होगा और इससे आप लोग ड्रीम इलेवन से आप लोग सीख जाएंगे कि पैसे कैसे कमाते हैं। ठीक है, बाकी क्या मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसमें आप लोग को टीम बनानी होती है, प्लेयर ऐड करने होते हैं, 11 प्लेयर अपने और 11 उधर के प्लेयर। ठीक है, टोटल 22 होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। तो ऐसे आप लोग टीम बना के अगर आप लोग का जो प्लेयर है परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं तो आपको यहाँ पर पैसे मिलते हैं। ठीक है, बाकी का मैं आप लोग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँगा विड्रॉल प्रूफ की। और बाकी का अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।